जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूँ, जानकारी डिग्री पार्ट टू के कैंडिडेट के लिए है, जिनका सेशन 2022 से 25 है। देखिए, आप लोगों के एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की तिथि, करेक्शन की तिथि विश्वविद्यालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कब से कब तक कर पाएंगे, एग्जाम कब तक होने वाले हैं और एग्जाम की तैयारी आप लोगों को कम समय में कैसे करनी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा। थोड़ा हाथ में रखे रखे हाथ दुख जाता है, इसलिए इस हाथ को। चलिए देखिए, एग्जाम की तैयारी करना है ना, तो बेस्ट माने जाते हैं रेखा प्रकाशन के गेस्ट पेपर। आप अपने मार्केट से रेखा प्रकाशन का गेस्ट पेपर अवश्य परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। चाहे आपका हिंदी मीडियम में आप एग्जाम देना चाह रहे होंगे या इंग्लिश मीडियम में, तो दोनों मीडियम में आप लोगों को मिल जाएंगे मार्केट में, ठीक है। चलिए आप देखिए, यहाँ पे जो विश्वविद्यालय के द्वारा नोटिस जारी की गई है, डिग्री पार्ट टू के जो परीक्षा हेतु ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, ठीक है। जिसकी तिथि सामान्य शुल्क के साथ दी गई है 10 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 तक, ठीक है, 15 दिन का है। इसके बाद जो है सामान्य विलंब शुल्क जो कि 30 रुपया के साथ दी गई है, वो है 26 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं सामान्य विलंब शुल्क के साथ। इसके बाद यह बताई गई है करेक्शन, तो करेक्शन की तिथि जो बताई गई है इसमें वो है 5 मई 2024 से 8 मई 2024 तक। देखिए 5 मई 2024 से 8 मई 2024 तक जो है वो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में अगर गलती हो जाए तो आप सुधार करा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नहीं दी गई है जो हमेशा दिया जाता था, इस बार नहीं दिया गया है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए यहाँ पे एग्जाम की तिथि प्रस्तावित नहीं दी गई है, ठीक है। और आप लोग कहिए कि एग्जाम की तिथि नहीं दी गई है तो हम लोगों के एग्जाम कब होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम जो है वो जून महीने के बाद हो, सॉरी 5 जून के बाद हो, ठीक है, जून हो सकता है 5 जून के बाद। अब आप लोग कहिए कि कब होने की संभावना, देखिए मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि 5 जून के बाद होंगे, ठीक है, क्योंकि उनका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। चलिए तो इसमें जो बताई गई है 8 मई 2024, तो यहाँ तक तो आप लोगों के एग्जाम नहीं होंगे 8 मई 2024 तक। तो कब होंगे एग्जाम, तो हो सकता है कि 8 मई 2024 के बाद एग्जाम हो, ये आप याद रखेंगे। तो अभी आप लोगों को एस्टिमेटेड डेट जो रखनी है वो 15 मई तक रखनी है, 15 मई तक आप लोगों के एग्जाम होने की संभावना है, लेकिन ये मई के बाद ही होंगे, जून 5 जून के बाद ही होने की संभावना है। जो भी होगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा, फिलहाल इतना ही रखिए जानकारी। ये वाला पोस्ट LNMU Result.com के वेबसाइट पर डाल दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।